आज का दिन वास्तव में विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के सबका साथ सबका विकास गुरु मंत्र का अनुसरण करते हुए पुणे शहर स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त नदी तथा हरित एवं स्वच्छ मोबिलिटी की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। मूला मुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास। भारत सरकार की प्राथमिकता सूची में जल संवर्धन ये उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है और इसी प्राथमिकता के फलस्वरूप स्थापित की गई है NRCP यानी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना। फैलता भौगोलिक विस्तार एवं बढ़ती लोक संख्या के चलते सीवेज उत्पादन में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके लिए मूला मुठा के न्यूनीकरण क्षेत्र में 396.6 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 सीवेज प्रकल्प एवं 55 किलोमीटर लंबी सीवेज वाहक पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से 990.26 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है। इस योजना का मुख्य हेतु है मूला मुठा नदी के जल और उसकी जैविक संपदा का संरक्षण करना तथा जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक सीवेज एकत्रीकरण प्रणाली को सीवेज प्रक्रिया प्रकल्प से जोड़ना। हमारे देश के परम वंदनीय एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से मूला मुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना के पथदर्शक प्रकल्प का शिलान्यास किया जा रहा है। मूला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास। पुणे महानगर पालिका द्वारा मूला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का नियोजन किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है नदी किनारे बसा रहवासी क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रखना, नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर होता अतिक्रमण रोकना, नदी में जल स्तर को बनाए रखना, नदी की ओर जाने वाले घाट और रास्तों को सुधारना और नदी के पास स्थित ऐतिहासिक इमारतों और उद्यानों को नदी के साथ जोड़ना, समूचे 44 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के विकास के लिए 4,727 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसमें से संगम पुल से मुंडवा पुल तक के 9 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के लिए 869 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होगा। इस परियोजना में नदी से संलग्न और भी प्रस्तावित कार्यों का समावेश है, जैसे साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, नौका विहार इत्यादि। मूला मुठा नदी के पुनरुज्जीवन का प्रकल्प पुणे के लिए निश्चित ही लाभदायी सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों द्वारा मूला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास हो रहा है। 140 ई बस और बाणेर ई डेपो का लोकार्पण समारोह। ई बस परियोजना के लिए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड को प्रति बस ₹50 लाख सब्सिडी 350 ई बस के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये 70 ई बस अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बाणेर ई डेपो से संचलन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल मोड पर 35 ACDC चार्जर्स के साथ EVEY ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड ने विकसन करके प्रतिदिन 200 किलोमीटर परिवहन सेवा देने का नियोजन है। 150 ई बस द्वारा 2 करोड़ किलोमीटर का संचलन पूरा किया है। PMPML महाराष्ट्र में सबसे अधिक ई बस सेवा देने वाली पहली शहरी परिवहन संस्था बन के इसमें आज तक मार्च 2022 तक फेम 2 द्वारा प्राप्त होने वाली 150 ई बस को मिला के 8 ई डेपो द्वारा 650 ई बसेस शहरवासियों को उपलब्ध होंगी। पुणे एवं पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिकाओं के शहरवासियों के लिए प्रदूषण मुक्त, वातानुकूलित, आरामदायी तथा फायदेमंद सार्वजनिक परिवहन की सेवा देने के लिए ई बस को प्राथमिकता दर्शाई गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से 140 ई बस और बाणेर ई डेपो का लोकार्पण हो रहा है। श्री आर के लक्ष्मण कला संग्रहालय का उद्घाटन समारोह। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रमन मैगसेसे जैसे पुरस्कारों से सम्मानित विश्व विख्यात व्यंग चित्रकार श्री आर के लक्ष्मण जी की स्मृति को समर्पित कला गलियारे का निर्माण पुणे महानगर पालिका द्वारा बालेवाड़ी पुणे में किया गया है। लगभग 30,000 व्यंग चित्रों की संपदा के धनी श्री आर के लक्ष्मण जी अपने तीखे व्यंग चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक मालगुडी डेज ने श्री लक्ष्मण को घर घर में पहुंचा दिया। इस धारावाहिक पर आधारित एक ऑडियो विजुअल मॉडल भी इस गलियारे में दिखाया जाएगा। आर के लक्ष्मण म्यूजियम इज अ विजन ऑफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। माई फैमिली एंड आई आर इंडीड ग्रेटफुल टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू
showcase the journey of Lakshman in this museum. भारत के दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा महान व्यंग चित्रकार श्री आर के लक्ष्मण कला संग्रहालय उद्घाटन के शुभ संयोग के हम सब साक्षी हैं।